नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ट्रेंडिंग न्यूज़ टीवी पर। तो मैं आपके लिए स्कूल न्यूज़ लेकर आया हूं। जी हां दोस्तों, शिक्षा विभाग की तरफ से एक हमारे पास लेटेस्ट नोटिफिकेशन आई है, जिसमें कहा गया है कि जल्द खुलेंगे स्कूल, कोविड ड्यूटी से हटाया जाए शिक्षक, यानी कि जो कोविड में लगे हैं ड्यूटी टीचर्स की, उन्हें रिलीव किया जाए, हटाया जाए, क्योंकि अब स्कूल परमानेंटली खुलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आइए मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपने मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आपको मेरे चैनल पर इस तरह के लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास हिमाचल प्रदेश में विद्यार्थियों के लिए जल्द स्कूल खोलने की तैयारियाँ शुरू हो रही है। सभी जिला उपनिदेशकों ने एकमत होकर स्कूलों से नियमित कक्षा लगाने की वकालत की है। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी 9वीं, 10वीं और 11वीं और 12वीं ही स्कूल जाते हैं, वो भी तीन दिन पहले कोई और क्लास जाती है और 3 दिन बाद कोई अलग क्लासेस जाती है। अब इनके स्कूल परमानेंटली करने वाले हैं, यानी कि अब आपकी क्लासेस नियमित तौर से लगेगी। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार की बैठक में शिक्षा अधिकारियों ने कहा कि अब स्कूल खोल देने चाहिए, इस बाबत शिक्षा निदेशालय सरकार को प्रस्ताव भेज रहा है। उधर स्कूलों में नियमित कक्षाएं शुरू करने की तैयारियों के बीच निदेशालय ने कोविड ड्यूटी में नियुक्त शिक्षकों को रिलीव मांगने की मांग की है। यानी कि जैसे कि अब आपकी जो क्लासेस है वो रेगुलर करने जा रहे हैं परमानेंटली, तो जो कोविड ड्यूटी में जिनकी ड्यूटी लगी है अध्यापक की, उन्हें रिलीव किया जाए, उन्हें हटाया जाए। शिक्षा न्यायालय ने इस बाबत जिला उपायुक्तों और CMO को पत्र भेजे हैं। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने बताया कि जिला उपनिदेशकों में स्कूलों को खोलने के लिए चर्चा की गई है। विभागीय स्तर पर सरकार की ओर से मत मांगा जाएगा तो स्कूल खोलने की मांग की जाएगी। उन्होंने कहा कि अब छोटे बच्चों के लिए भी स्कूल खोल देने चाहिए, यानी कि पहले से 8वीं क्लास के भी स्कूल खुलेंगे। घरों से 1 किलोमीटर के दायरे में प्राइमरी स्कूल है। टर्म शिक्षाओं के आयोजन को लेकर छेड़े विवाद को लेकर उच्च शिक्षा निदेशक ने यह कहा है कि अगर किसी शिक्षक संगठन को कोई आपत्ति है तो निदेशालय या शिक्षा बोर्ड से बात की जाए। यानी कि अब छोटी क्लास के स्कूल भी खुल जाएंगे, जैसे कि अभी तो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के थे, पर अब ये पूरी तरह से परमानेंटली स्कूल खोलने जा रहे हैं, तैयारियाँ की जा रही है, यानी कि पहले से लेकर 12वीं तक के स्कूल खुलेंगे। तो आप जैसे कोई बड़ा अपडेट आएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर लूँगा, चर्चा कर इसका हल निकाला जाएगा। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में हमें लिखित में किसी का सुझाव नहीं मिला है, अपलोड किए गए सिलेबस में गलतियों को लेकर बोर्ड से चर्चा की जाएगी, इसे दुरुस्त करवा दिया जाएगा। यानी कि जो आपके बोर्ड के सिलेबस है, यानी कि जो आपका फर्स्ट टर्म होने वाला है, उसमें कोई सब्जेक्ट है नहीं, यानी कि मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है नहीं उसमें मॉडल कॉन्सेप्ट सिलेबस में, तो उसे सुधारा जाएगा, उसको उसकी जो मिस्टेक हुई है उसे सुधारा जाएगा, ठीक है। वो भी वहाँ पर अब कुछ देखेंगे, चेक करेंगे, उसके बाद वहाँ पर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का सिलेबस डाल दिया जाएगा। तो ये थी अभी की न्यूज़ जो मैंने आपको बताई। तो स्कूल खुलने वाले हैं परमानेंटली, जैसे अभी तो बड़ा फैसला होगा, यानी कि कैबिनेट बैठक में होगा, जब भी होगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। पर ये स्कूल खोलने की तैयारी हो चुकी है, यानी कि आपके स्कूल खुलेंगे पहली से लेकर 12वीं, यानी कि 8वीं क्लास भी जाएगी अब स्कूल में पहली से लेकर 8वीं। तो अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना है। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि आपको मेरे चैनल पर इस तरह की लेटेस्ट न्यूज़ एंड अपडेट्स मिलते रहेंगे। और मेरी वीडियो को अपने दोस्तों का शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें पता लग सके कि आप स्कूल परमानेंटली खुलने जा रहे हैं। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।